नई रेसिपीज जानने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें शुद्ध देसी किचन। नमस्कार दोस्तों, आज देखिए बांगड़ा फ्राई बनाने जा रहे हैं शुद्ध देसी किचन पे। तो बांगड़ा लेंगे, धो लीजिए अच्छे से और बीच बीच में लाइन से हल्का हल्का काट दीजिए दोनों साइड से, ताकि आपको इसका जो मसाला है अंदर फ्लेवर जा सके। 8-10 पीस लहसुन, 5-6 पीस हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का पीस लेंगे। इसको तीनों चीज को मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इसका मसाला बना के जो है इसको डालेंगे। 1 टीस्पून फिश मसाला वो डाल देंगे इसके ऊपर। 1 टीस्पून अदरक मिर्ची लहसुन का जो पेस्ट है वो बनाए थे वो डाल दीजिए। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सो थोड़ा सा कम। रेड चिली 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर एंड 100 ग्राम दही। इस चीज को मिक्स कर लीजिए। इसको जो है भिगा के कम से कम 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दीजिए ढक के, ताकि जो इसका मसाला जो अंदर भीग सके और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हो गया है 15 से 20 मिनट मसाला डाल के, तो अच्छे से मसाला इसके अंदर भीग चुका है। तो चम्मच के ऊपर आप तेल डाल दीजिए इसके अंदर। तो डीप फ्राई करना है, ऑयल कम यूज करेंगे, नॉन स्टिक रहेगा उससे अच्छे से फ्राई हो सकता है। जो फिश है इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए शुद्ध देसी किचन में बांगड़ा फ्राई आप लोग को दिखाया जा रहा है, इस तरह से बांगड़ा फ्राई टेस्टी द्वार स्वादिष्ट बनाया जाता है। बांगड़ा फ्राई बनके रेडी है शुद्ध देसी किचन पे। तो देखते रहिए शुद्ध देसी किचन। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा।